यही काम है, <laughs> ये, ये देखिए मेरे डैडी जी कितने अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं मेरे डैडी जी बट मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि तू शूट क्यों कर रहा है तुझे यही काम है और कोई काम नहीं है तो मतलब ना ये प्यार से बोल रहे हैं बट आ, लोग समझेंगे कि ये गालियाँ दे रहे हैं तो मुझे गालियाँ नहीं दे रहे हैं ये और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो ये ना पानी के भरे हुए खेत हैं तो ये है धान के खेतों की तैयारी की जा रही है तो पहले धान के खेतों में ना पानी भरते हैं और फिर कितनी मेहनत तो होती है इसमें ना हे बाप रे मैं सोचता था ना बहुत ही मतलब जल्दी हो जाता है देखो कईयों ने जो यहाँ पे धान रूम्बली हैं या मतलब बोलिए हैं और यहाँ पे देखिए एक एक डाली जो है वो लगा के करनी पड़ती है आ, वो भी शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ बट ये दिखाता हूँ मैं कैसे तैयारी करते हैं पहले ना ऐसे पानी से भर लेते हैं इसको आ, पूरे खेत को फिर इसमें हल चलाएँगे और फिर ये जो देखो अभी दे रहे हैं ना ये है चोड़ा चोड़ा बोलते हैं इसको इससे मतलब जो है वो खेत बिल्कुल आ, मतलब प्लेन हो जाता है और एक समतल हो जाता है और बैलों की भी सत्यानाश हो जाती है इसमें तो पानी में ना इतने दिन अगर खेत ज़्यादा हो तो देखिए पाँव भी सड़ जाते हैं नीचे से क्योंकि ऐट अ टाइम ना पानी में रहना है तो बहुत मेहनत होती है और ये देखिए जहाँ ना नीची होगी ना जमीन वहाँ पे ये ऐसे भर के ले जाएंगे और ये है एन के भाई की आ, सास है ये और ये ससुर है जो हल चला रहे हैं तो ये ना उनके यहाँ होता है ये धान वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता है इसलिए मुझे बहुत आसान लगता था पहले और ये देखिए सारे खेत जो हैं वो भरे हुए हैं पानी से और फिर जो है देखिए ये यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचा होगा ना इधर तो ये प्लान करने के लिए मिट्टी एक बराबर करनी पड़ती है यहाँ पर बैल नहीं जा सकते तो इसलिए ये हाथ से कर रहे हैं इसको बराबर और पूरे खेत जो हैं वो पानी के भरे हुए हैं बहुत अच्छे लगते हैं ना और एक ही दिन करना काम तब तो बहुत आसान और बहुत ही मज़ा आता है बट इन बेचारों को तो काफ़ी दिन लगते हैं ये खेत करने के लिए और ये देखिए जैसे ये ना बेचारे लीप रही है ये इसको बोलते हैं पिंडली बनाना हम अपनी भाषा में तो ये जो खेत का ना किनारी होती है इसको जो है वो मिट्टी से लीपना पड़ता है आ, तो आ, मतलब ये इसलिए लीपना पड़ता है ताकि पानी जो है वो इधर उधर ना जाए और अपने खेत में जो है वो फूल भरा रहे तो खेत में पानी एट अ टाइम रहता है जब तक हमारे धान जो है वो काटने के मतलब उस पर ना आ जाए तो तब तक जो है हमारे को पानी के भरने पड़ते हैं ये खेत और अभी जो है देखिए तैयारी कैसे कर रहे हैं ये और कितनी मेहनत है ये रे बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए तो ये देखिए कैसे ना उठा उठा के मिट्टी जो है वो ऐसे पोथ रही है इस मतलब ये साइड में ताकि हमारा आ, मतलब जो पानी है वो अच्छे से रुक जाए इसमें और मतलब पानी जो है वो भर जाए पूरे खेत में पूरे पानी से भरे हुए होने चाहिए खेत और ये देखिए आप आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेहनत का काम है और तब जो है वो एक गरीब किसान जो है वो शहरों में अपने मतलब इस अनाज को पहुंचाता है और जैसे गेहूं हो गई मक्की होगी और धान हो गए तो बहुत मेहनत का काम होता है और यहाँ पे लेडीज़ भी जो है वो बहुत मेहनत करती हैं और अभी ये दिखाया मैंने आपको जब भी धान लगाएंगे तब भी दिखाऊंगा और यहाँ पे रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपने सुना होगा कि दाल मिक्स है या कुछ और मिक्स है तो आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी जबकि सब्ज़ी जो है वो इतनी मिक्स नहीं बनती है तो आज भिंडी बीन और आलू और बैंगन शिमला मिर्च ये सारी मिक्स करेंगे तो देखते हैं कैसा टेस्ट आता है बहुत ही टेस्टी बनी थी भाई हमने खाई है पर हमें ना बहुत टेस्टी लगी है तो ये सारी चीज़ें जो है हम काट लेंगे और फिर आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम ये वाली रेसिपी ये मिक्स सब्जी की रेसिपी है तो आप भी देखिएगा और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ऐसे जी हम छील लेते हैं इसको ये देखिए ये छील लेते हैं ये सारी चीज़ें जो है हम हमने धो ली है तो इसको आलू जो है वो हमने छील लेने हैं और फिर काट लेने हैं तो आज डॉक्टर ने जो है वो ये सब्ज़ी की तैयारी कर रही है और जी ऐसे सारे हम छील लेते हैं और फिर जो है काट लेते हैं ये देखिए छील लिए हमने सारे और ये है शिमला मिर्च तो इसको भी हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं इसके भी और ऐसे सारी सब्ज़ी जो हम आ, काट लेते हैं और फिर देखिएगा आप कैसी बनी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी थी और जी डॉक्टरी नई नई टेक्निक लेके आती है तो क्योंकि ये जो ये है ना मतलब ये डॉक्टर ने बोला कि सारी जो है वो मिक्स करनी है और आ, फिर देखते हैं देखो कै, कैसा टेस्ट आता है ऐसा बोला था इसने डॉक्टर ने सरिता ने तो ये सारे जो हम ऐसे देखिए अब कट कर लेते हैं ये था बैंगन तो बैंगन को ही अब कट कर लेते हैं मुझे हंसी आ रही है कि सारी सब्जियां ना इकट्ठी कर ली सारी जितनी भी थी ये फ्राशबीन और ये क्या कहते हैं इसे बैंगन आलू शिमला मिर्च सारी जो है वो इकट्ठी कर ली तो पर भाई एक बार बनी तो बहुत टेस्टी थी आप लोग भी एक बार बनाइएगा और फिर बताइएगा मुझे कैसी बनी है आपकी सब्ज़ी और अब यहाँ पे ना भिंडी भी हमने जो है वो काट ली और अब प्याज काट रहे हैं तो प्याज भी इसमें मिक्स किया था जी मतलब ऐसी कोई सब्ज़ी रखी नहीं थी जो इसमें डाली नहीं जो हमारे अवेलेबल थी वो सारी, सारी सब्ज़ियाँ इसमें थोड़ी थोड़ी करके जो है मिक्स की थी और ये हो गया जी हमारा प्याज तो प्याज को भी जो है हम कट कर लेते हैं और ये देखिए अब प्याज काट रही है लड़की छोरी लगता है ऐसे मतलब ठीक ही नहीं है ये जो प्याज है ना ये तो हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको तड़के के लिए ना काट रहे हैं बट इसमें भी जो है हमने थोड़ा सा डाला है और प्याज का टेस्ट जो है वो आपको पता ही है बहुत अच्छा होता है सब्ज़ी में भी और ऐसे मतलब अगर दाल वगैरह बनानी हो उसमें भी और यहाँ पे हमने जो है वो धनिया मतलब जीरा और लाल मिर्च जो है अब इसको कूट लेते हैं और यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है तो कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है अब तेल को जो है पकने देंगे और अब हमारे जो है वो आंच अच्छे से लग गई है और ये जो हमने कूट के रखा था ना तो ये हम ये देखिए ये मेथे है तो मेथे हमने सबसे पहले ऐड कर ली और जो अब हमने कूट के रखा था ना मसाला वो हम जो है वो इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और अब तड़के को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पका लेंगे जब तक हमारा ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है तो तड़के को ऐसे ही हम जो है वो आ, मतलब ऐसे ही चलाते रहेंगे और ये देखिए अब हमारा जो है तड़का होने वाला है तो अब हमने इसमें डाल लिया है आ, क्या कहते हैं इसे हल्दी और ये जो हमने सब्जी सारी काटी थी ना ये सारी इकट्ठी हमने जो है इसमें डाल ली और अब अब अच्छे से जो है मसा अपने तड़के के साथ जो है मिक्स कर लेंगे सब्जी को और ऐसे ही काफ़ी देर तक जो है वो फ्राई करते रहेंगे मतलब ऐसे ही चलते रहने देंगे इसको और चलाते रहेंगे जब तक जो है इसमें अच्छे से जो है वो राड़ नहीं लग जाता है और अब राड़ लग गया है अब हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया है जी और अब हमने जो है वो थोड़ा सा नमक इसमें जितना हमारे को चाहिए स्वाद अनुसार वो हमने इसमें ऐड कर लिया है और ये देखिए अब ये थी बची हुई भिंडी तो जब ये पानी सूख जाएगा तो भिंडी हमने जो है इसमें ऐड कर ली वैसे पानी नहीं डालते हैं भिंडी में बट ये सूख गया था इसका पानी पूरा और ये अच्छे से पक गया था आ, तो हमने जो है इसमें ये भिंडी है ना ये हमने जो है वो आपको पता है अलग अलग काटी ना भी तो ये भिंडी को हमने लास्ट में जो है वो डालना है और ये डाल ली हमने जो है वो भिंडी और अब भिंडी को भी है काफ़ी देर पकने देना है जब तक हमारी भिंडी पक के तैयार नहीं हो जाती तब तक हमने चूल्हे पे ही रखना है ये और ये देखिए जी अब हमारी सब्जी जो है वो हो गई है तकरीबन और ये देखिए हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है और ऐसी बनी हमारी सब्जी आप बताइएगा आपको कैसी लगी और आप भी एक बार ट्राई करना ओके नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा से मिलते हैं तब तक बाय सी यू टेक केयर